नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं देश न्यूज। देश न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट पर। आपको बता दें कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारे साथ आप देख रहे हैं, हमारे पीछे एक बुजुर्ग है और एक व्यक्ति है जो उसका पुत्र है। क्या है पूरा मामला, लंबे समय से ये क्या इनकी मांगे, आइए बात करते हैं। क्या क्या नाम है, पहले तो अपना परिचय बताओ। हमारा नाम उमेश चंद उपाध्याय, पिता का नाम रामजीत उपाध्याय, ग्राम मोहिद्दीनपुर, थाना सम्मनपुर के निवासी हैं। क्या मामला है, आप बैठे हुए इतनी ठंड में? हमारा ये कौन है जो बैठे? हमारी माता जी है, हमारे दो भाई विकलांग है, मूकबधिर है, और एक भतीजा लापता है। भाई की हत्या हो गई है, भतीजे का मुकदमा चल रहा है। गांव के कुछ लोगों से दुश्मनी है, जो उन लोगों ने जबरदस्ती भाई को मिला करके भाई के पांचवें अंश के बजाय चौथाई अंश की जमीन पर जो धान की फसल लगी थी उसको खेत से ही काट करके बेच लिए और पराली को खेत में जला दिए। हमने इस संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, डीएम को महोदय को दिया, लेकिन हमारी गरीबी के कारण हल्का लेखपाल और थाना सम्मनपुर वाले मिल करके जबरदस्ती ना तो हमारी रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और जबरदस्ती माता जी का अंश लैप्स करके हमारे भाई का पांचवा अंश होता है उसको चौथाई अंश पर जबरन कब्जा दिलवा दिए। हम लोग इसीलिए धरने बैठे हैं कि जिन लोगों ने खेत से धान बेच लिया है, पराली जला दिया, पराली आज भी खेत में मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी तक किसी अधिकारियों ने आपकी शुद्ध ली? हमारी कोई सुध नहीं ली, हमने प्रार्थना पत्र दिया। हल्का लेखपाल झूठी आख्या दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं पराली नहीं जली है बल्कि वो कूड़े का ढेर जला है। क्या उन्होंने फोरेंसिक जांच करवाया है? जला तो है कुछ खेत में, प्रदूषण उत्पन्न तो हुआ है। तो झूठी आख्या देने वाले लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई हो और दरोगा के खिलाफ कार्रवाई हो जो FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। चौथा दिन है आज, ये क्या है, कर्मी कंसन है? क्या है कर्मी कंसन है? 10 से 4 प्रतिदिन अनशन कर रहे हैं, अवकाश के दिनों को छोड़ करके 8 दिसंबर से अनशन पे बैठे हैं। आज चौथा दिन है आपका? आज हमारा कम से कम 20वां दिन होने जा रहा है। दोस्तों बड़ी बात है, आपको बता दें कि एक बुजुर्ग आज एक कड़ाके की ठंड में, आज दूसरा दिन कड़ाके की ठंड है, आज लगभग 5वें दिन से ऊपर है, कर्मी कंसन इनका जारी है, छुट्टी के दिनों में ये नहीं बैठे हुए। आपको बता दें इनका आरोप है कि संबंधित थाना पराली जलाने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। दोस्तों 75 वर्षीय से ऊपर महिला बुजुर्ग बैठी हुई है, अभी तक तहसील प्रशासन इनकी सुध नहीं ली है। पीड़ित के पुत्र का आरोप है कि हल्का लेखपाल लीपापोती कर रहा है, विपक्षियों से मिलकर जबरन जमीन पे कब्जा दिलवा रहा है। दोस्तों बड़ी बात है, योगी सरकार भले ही राजस्व के मामले में कार्रवाई की बात करती हो लेकिन जिला प्रशासन है कि उसको मानने को तैयार नहीं है। तहसील प्रशासन आंखों में पर्दे डाल बैठा हुआ है। आपको बता दें जिलाधिकारी कार्यालय गेट के सामने ये पीड़ित बुजुर्ग कड़ाके की ठंड में आपको बता दें बैठी हुई है और अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाए रही है। जिले में प्रभारी मंत्री गिरीश चंद यादव जी आए हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, गिरीश चंद यादव कानून व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने आते हैं, लेकिन सवाल है जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, गेट के सामने बैठे इस बुजुर्ग महिला की सुध लेना मुनासिब नहीं समझे, बड़ा सवाल है। श्रीवास्तव, देश न्यूज़, हम बैठ कर अगर।